क्या बात है, उस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था गाइस, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगी वो चीज़। ले के पास चीज़ हो ना, और तब आप उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, और धीरे धीरे करके जब चीज़ें आती है ना सामने निकल के, हाँ भाई कि ये चीज़ भी अच्छी है, ये चीज़ भी अच्छी है, और ये भी फिर इसमें चीज़ अच्छी है, तो तब आगे पता चलता है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आपकी बाइक में सही हैं। What's up people, good morning, welcome back to the channel guys, welcome back to the new fresh video with a new fresh vlog guys। तो जी गाइज देखो, बात ऐसी है कुछ कि अपनी बाइक की सर्विस हो चुकी है, और सर्विस होने के बाद क्या एक्सपीरियंस आ रहा है बाइक चलाने का, तो दोनों ही चीज़ें देखेंगे गाइज। कि बाइक की सर्विस होते ही ना गाइज, क्या ही ज़बरदस्त, मतलब एक टोटल रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, बहुत बढ़िया, मतलब एक दोबारा से फ्रेश स्टार्टअप हो गया ना, ये चीज़ बड़ी ही अलग बनाती है इसको। मतलब जो फ्री सर्विस है ना, तो आपने कल का ब्लॉग तो देख ही लिया होगा कि फ्री सर्विस में अपने को क्या फ्री के नाम पे चीज़ें मिल रही हैं गाइस। चलो मानते हैं कि जो उसका मोबिल ऑयल का जो खर्चा है ना, वो तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उस का तो कोई भी हिसाब नहीं बनता है गाइज। पहले यहाँ से निकाल लेते क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका वैसे ही है। बढ़िया रिस्पांस एकदम, मतलब हल्का जो पंपीनेस होता है ना गाड़ी का गाइज, वो चीज़ मिल रही है KTM में। और स्पेशली जो मेरा सबसे फेवरेट मोबिल ऑयल जो है ना मोड्यूल का गाइज, वो इसमें डल चुका है। अब कंपनी कहती है जब आप स्टॉक बाइक लेते हो ना, जब शोरूम से लेके आते हो, तो ऑयल बाय स्विट्ज़रलैंड करके कोई कंपनी है, उसकी उसका ऑयल डल के देते हैं आई थिंक सो। तो मुझे तो नहीं लगता है कि वही ऑयल आता है, या फिर जो भी है कंपनी। अब भाई हम देख तो रहे नहीं है लेबल कौन सा डाल के दे रहे हैं, कौन सा नहीं डाल के दे रहे हैं, लेकिन मोटर की जो बात है ना गाइस, वो बहुत अलग है। मतलब इंजन को इतना ज़्यादा रिफाइंड कर देती है ना, इतना ज़्यादा रिफाइंड, मतलब आप फील कर सकते हो उस चीज़ को, उसकी पावर को। तो अभी थोड़ी सी जैसे खाली रोड आएगी ना, तो वहाँ पे दिखाऊंगा मैं थ्रॉटल पावर इसकी, क्या ही ज़बरदस्त आ चुकी है एकदम बेहतरीन वाली गाइज। थोड़ा सा महंगा तो आता है मोटुल, लेकिन गाइज ये है कि अदर सेगमेंट का जो मोटुल ऑयल है, जैसे कि मोबिल ऑयल जो है, जैसे बजाज का भी है, तो बजाज का इतना खास बढ़िया रिस्पांस नहीं देता है। सस्ता भी है थोड़ा सा, मतलब इससे थोड़ा सा ही सस्ता है, लेकिन अपने को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया गाइस। एक बार मैंने डलवाया था अपनी एवेंजर में, RS में भी डलवाया था बल्कि मैंने, तो इतना खास कोई रिस्पांस दिया नहीं उसने। थोड़ा सा एक चीज़ ये है कि गाइस इसमें ना एक चीज़ फिक्स नहीं हो पाई है कि बस आगे जो इसमें जो उसका जहाँ पे ब्रेक डिस्क ब्रेक है ना, पता नहीं वहाँ की साइड से आवाज़ आती है या फिर किधर की साइड से आवाज़ आती है, वो आवाज़ नहीं जा रही है बिल्कुल भी। हल्की सी सिसर सिसर टाइप की सी आवाज़ आती है ना, तो वो बड़ी ही मतलब अनोइंग सी लगती है ना, और उसके चक्कर में ना सारा जो फोकस होता है ना, वो वहीं की साइड हो जाता है। तो देखो शायद हो सकता है टाइम रहते ये वाली चीज़ चली जाए, क्योंकि मैंने पूछा था जिस भाई ने सर्विस करी थी ना अपनी गाड़ी की, तो उससे पूछा था, तो वो कहने लगा कि ये थोड़ा सा ब्रेक पैड की आवाज़ होती है, ये टाइम के साथ अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तो ज़्यादा बढ़िया है अगर ख़त्म हो जाएगी, तो अगर नहीं होती है तो दिखवाते हैं वैसे। और रिस्पॉन्स टोटल 100% है गाइज, 100%, मतलब यार बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, मतलब चलाने के मामले में ना KTM का कोई मुकाबला नहीं है गाइज। और ये चीज़ सही में यार अब आगे पता चलती है, जब आपके पास चीज़ हो ना, और तब आप उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, और धीरे धीरे करके जब चीज़ें आती है ना सामने निकल के, हाँ भाई कि ये चीज़ भी अच्छी है, ये चीज़ भी अच्छी है, और ये भी फिर इसमें चीज़ अच्छी है, तो तब आगे पता चलता है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आपकी बाइक में सही हैं।
तो जो गाइज अपनी बाइक सर्विस का जो कॉस्ट आया था ना वो 1700 रुपये, मतलब आप ये मान लीजिए 20-25 रुपये कम थे 1700 रुपये में, तो वो अपना आया था। तो मोबिलाइज अपना 1350 रुपये समथिंग का आया था, और एक अपना ऑयल फिल्टर था जो कि ठीक था, रेट ठीक थे उसके, 70-80 रुपये तक का ही आता है। और फिर उसके बाद एक अपना चेन स्प्रे ल्यूब्रिकेंट इन्होंने लगाया, वो क्या लगाया क्या नहीं लगाया वो नया था क्या था भैया, उसके भी चार्जेस कर लिए, जो कि भैया पूरा 147 रुपये का अपना वो पड़ा गाइस, जिसकी कोई भी ज़्यादा मतलब इतनी मतलब ये अपने पास से भी कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो चीज़ भी इन्होंने उसमें ही ऐड कर दी। तो हो सकता है शायद भैया इनके पास रखा हो उसी में से कर दी। और दूसरा हल्का सा अपना कूलेंट तो ख़त्म हुआ नहीं था, तो हल्का सा ऐड ऑन कर दिया उसमें टॉप अप, यानी कि यहीं की साइड, और उसमें ही पैसे इन्होंने लगा लिए। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी सी मेरे को सही नहीं लगी गाइज, कि ये ठीक है, वर्दिड है, वर्दिड तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा मैं इस चीज़ को, बिल्कुल भी नहीं। और ओवरऑल देखो सर्विस जो है ना बहुत जल्दी करके दे दी इन्होंने मेरे को, फर्स्ट सर्विस है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मोबिल ऑयल ही चेंज होता है, और बाकी कोई इन्होंने कोई ऐसे स्पेयर पार्ट्स मतलब जो नट बोल्ट्स वगैरह रहते हैं ना वो कोई टाइट करके नहीं देखे, कि मतलब इंस्पेक्शन होता है ना कि चीज़ों को देखते हैं, क्या बात है। उस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था गाइज, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगी वो चीज़ ले। अब उस हाईवे पे चलेंगे हम लोग एक बार भाई, वो चीज़ 100% अचीव करेंगे कि कितनी इसकी टॉप स्पीड जाती है, कोशिश करेंगे कि टॉप स्पीड तक ही पहुँचाएगा इस, क्योंकि भैया मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप एक्साइटेड हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, अगर आपको चाहिए इसकी टॉप स्पीड कितनी जा रही है कितनी नहीं जा रही है तो कमेंट करके बता दीजिए। उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है जल्दी से। और बाकी गाइज वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही स्टे ट्यून स्टे वॉच, और बहुत सारा प्यार दिखाइए, बहुत सारा सपोर्ट दिखाइए गाइस। चलो करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।